हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए पार्टी के नए प्रभारी दीपक बाबरिया का चंडीगढ़ का कार्यक्रम पूरी तरह से कड़वा साबित हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा को पिछले 18 साल में पहली बार ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ा है। दीपक बाबरिया के चंडीगढ़ के बैठक के कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेकर प्रदेश प्रभारी को साफ तौर पर बता दिया कि अगर प्रदेश कांग्रेस में हालात नहीं सुधरे तो सत्ता में आने की बजाय पार्टी फिर से सत्ता से दूर रहेगी। पहले आप किरण चौधरी ने इस बैठक में जो कहा वो जरा ध्यान से सुनिए। उसका जवाब जरूर देता है। तो ये जो डिसिप्लिन की आपने बात कही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये डिसिप्लिन जो है आप कायम करेंगे और सारे जितना जो नेतृत्व है यहाँ पर ये बैठे हैं, हमारे रणदीप जी बैठे हैं, शैलजा जी हैं, हुड्डा जी हैं, सारे के सारे अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस किसी एक की पापोती नहीं है। साथ के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मान सम्मान की बात आपने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मान सम्मान के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तरसता है, उसको अगर मान सम्मान मिलता है जिस जो हलके का है और जो काम करने वाला आदमी है उसको मान सम्मान मिलता है, निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ता जो है तगड़ा होके काम करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन खाली इस तरह से करके अगर उसको अलग कर दिया जाता है कि ये फलां ग्रुप का है, ये फलां ग्रुप का है, ये फलां ग्रुप का है, तो आप समझ सकते हैं कि वो हालात जो हैं फिर उस तरह के यूनिटी के नहीं बनते। आज जो है हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये बात सही है कि आज हरियाणा के अंदर आवाज जो है बीजेपी के विरुद्ध है, तो इसको उसमें नहीं लेना चाहिए। हमारे को जानना होगा कि हम किसके साथ लड़ाई लड़ी है। गुजरात के अंदर आपने तो देखा है ये मोदी जी क्या कारनामे, किस तरह के झूठ बोलते हैं, सारी बात करते हैं। हमें सीधे तौर पे मोदी जी को जो है आने वाले समय में हमारा पार्लियामेंट का चुनाव है, हमारे को टेकअप करना पड़ेगा उनके खिलाफ। अगर हम नहीं करेंगे तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, राहुल जी हैं, जिन्होंने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो है पदयात्रा निकाली और बहुत जबरदस्त सफल पदयात्रा पूरे हिंदुस्तान के अंदर निकली है। एक ऐसा संदेश गया है, एक इस तरह की ऊर्जा हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर आई है। उस ऊर्जा को अगर हमने कायम रखना है तो हमारे को सबको मान सम्मान के साथ संगठित होकर मुट्ठी बंद कर सारे नेताओं को साथ लेकर अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है 10 की 10 सीटें पार्लियामेंट की भी जीतेगी और जो है हमारे हरियाणा जो है विधानसभा की भी हम लोग यहाँ पर आएंगे। उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बात की बातें हैं। अगर हम पार्टी को अगर हम पावर में नहीं लेके आते तो क्या बात कहते हैं हम कि हम फला मुख्यमंत्री, ये बात बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर कांग्रेस के संगठित सिपाही हैं और कांग्रेस का नाम लेना, कांग्रेस का झंडा ऊपर करना और कांग्रेस के नारे लगाना ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। और ये अगर हमने करना शुरू कर दिया तो हम खेमों के अंदर बटेंगे नहीं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो खेमों में नहीं बटेंगे, वो जो है वंचित नहीं रहेंगे। हर लोगों को अगर साथ लेकर चला गया तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो है बाबरिया साहब माफ करिएगा यहाँ पर जो है सारे लोग मीठी मीठी बातें जरूर करेंगे, लेकिन मेरी आदत है मैं सच बात सत्य जो है वो बोलती हूँ हमेशा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये समय के ऊपर आपने अगर संभाल लिया तो निश्चित तौर पर दिस विल बी अ फेदर इन योर कैप और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। जो अनुशासन की बात आप कहते हैं, कौन क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये अनुशासन मीडिया के लिए भी रखिए और ये भी रखिए कि आप क्या बात कर रहा है और किसको जो है थापी देके कह रहा है कि तुम्हारे को एमएलए बनाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके आपका किसी और के अधिकार का क्षेत्र नहीं। केवल मैं यही कहूंगी, मैं आपका धन्यवाद भी करूंगी। आज जो है बीजेपी जो है पूरी तरह से हर वर्ग बीजेपी से त्रस्त और जो है मोदी जी के भी कारनामे सबके सामने आ गए। सब जानते हैं किस तरह के ये फ्रॉड लोग हैं, किस तरह का जो है आज देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया है। लेकिन अगर हम खुलकर जो है इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा आने वाले समय के अंदर हम इनको कहते हैं बिल्कुल हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है
हमारे को समझ दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो आए हो आपको एक बहुत ही सोच समझ कर राहुल जी ने यहाँ भेजा है, खड़गे जी ने यहाँ भेजा है और आप जो है जमीनी नेता हो, जमीन का आपने काम करा है, कार्यकर्ता और संगठन को आप जानते हो और आप सब ये भी जानते हो कि कौन क्या है और किस लायक है और किस में क्या दम है, उस चीज को आप विश्लेषण करके इस पार्टी को आगे लेकर जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण चौधरी साफ तौर पर कह रही हैं कि पार्टी किसी की बपोती नहीं है, पार्टी में सभी को साथ लेकर चलना होगा, पार्टी में बाकी नेताओं को इग्नोर नहीं करना होगा और पार्टी में सहमति के साथ काम काज करने होंगे। किरण चौधरी के ये ताबड़तोड़ हमले साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर थे और उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दे दी कि अगर प्रदेश कांग्रेस में हालात नहीं सुधरे तो पार्टी के लिए बड़ा नुकसान खड़ा हो जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मौके पर कड़वी बात कहने का काम किया। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में लाने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज सुरजेवाला ने साफ कहा कि जब तक गुटबाजी रहेगी सत्ता में पार्टी का आना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक में सभी दलों को एकजुट किया, पार्टी के सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर 5 गारंटी का ऐलान किया जिसके चलते जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की सत्ता सौंप दी। हरियाणा में इसके विपरीत कुछ नेता अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने तरीके से वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी के वादे कांग्रेस के वादे कैसे हो सकते हैं। सुरजेवाला ने साफ कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर है, एक परिवार के इर्द गिर्द कई मामले घूम रहे हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग भ्रष्टाचार के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ न बोलना कई तरह की चर्चाओं को जन्म देता है। इनको समझना चाहिए कि संगठन से ऊपर कोई नहीं है। ये बातें सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ थी कि वो बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोलते हैं, वो बीजेपी के बड़े नेताओं मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई भी बात क्यों नहीं कहते हैं। सुरजेवाला ने साफ कहा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने 20-25 नेताओं पूर्व विधायकों को फिर से पार्टी ज्वाइन करवाई है। अब ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या ये सच में असली कांग्रेसी हैं। प्रदेश में आज कांग्रेस मजबूत स्थिति में है तो कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए लोगों की लाइन लगी है, लोग खुद ही कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं। जब हरियाणा में कुछ लोगों के कारण कांग्रेस की हालत पतली हुई तो पार्टी को छोड़कर जाने वाले यही लोग सबसे आगे थे। इससे साफ जाहिर है कि ये लोग मौका परस्त हैं। ऐसे लोगों को सच्चा कांग्रेसी कैसे कहा जाता है। भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ही रणदीप सुरजेवाला का यह अटैक था क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही रामनिवेश घोड़ेला और नरेश सेलवाल जैसे कई नेता ऐसे पार्टी में शामिल हुए हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी। किरण चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि जिन लोगों की आत्मा में कांग्रेस है उनको ही पार्टी में मौके मिलने चाहिए। जो मौका परस्त हैं या कांग्रेस में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं सत्ता में आने के बाद कुछ सत्ता सुख भोग लेंगे, तो ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। बैठक के दौरान कुमारी सैलजा ने भी अपने चिन्ह परिचित अंदाज में हुड्डा पर अटैक किए। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के अकेले चलने से पार्टी को नुकसान हो रहा है, उनका इशारा साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था। कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी में एक गुट के नेता एक विशेष योजना के तहत चल रहे हैं, वो अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो अपने नारे लगवा रहे हैं और वो अपने आप पर वायदे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के वायदे होने चाहिए ना कि किसी एक नेता के वायदे होने चाहिए। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि पार्टी में फिलहाल कोई सीएम प्रोजेक्ट नहीं है, सीएम प्रोजेक्ट करने का काम पार्टी हाईकमान करेगा, हाईकमान जो चाहेगा वही सीएम बनेगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा सीएम की दौड़ में अकेले नहीं है, पार्टी के दूसरे नेता भी सीएम की दौड़ में शामिल नहीं है। बाबरिया ने दूसरी बात ये कही कि पार्टी के अंदर किसी भी नेता के नारे नहीं लगेंगे, किसी भी एक नेता को आगे नहीं किया जाएगा और अपने बलबूते पर टिकट देने की घोषणाएं नहीं की जाएंगी। यह भी सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा पर अटैक था जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ पार्टी के नेताओं को टिकट की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। दीपक बाबरिया ने तीसरी बात यह भी कही कि पार्टी के अंदर घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया होती है और कोई भी नेता अपने तौर पर सरकार बनने पर घोषणाओं का वायदा नहीं कर सकता, घोषणाएं नहीं कर सकता। ये काम भी भूपेंद्र हुड्डा ही कर रहे हैं। वो सत्ता में आने पर जहाँ 6,000 रुपये पेंशन की घोषणा कर रहे हैं वही पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, गरीबों को 100-100 गज के प्लाट की बात कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर भी बाबरिया ने साफ तौर पर कह दिया कि
कि पार्टी तय करेगी कि सरकार आने पर कौन कौन से वायदे जनता से किए जाएंगे और किन किन वायदों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा में लंबे समय के बाद तिगड़ी के तौर पर रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा ने एक ही मंच से एक ही दिन भूपेंद्र हुड्डा पर ताबड़तोड़ हमले किए। यानी भूपेंद्र हुड्डा को ये समझ में आ गया कि तीनों ही नेता एक हो चुके हैं और ऐसे में पार्टी प्रभारी का भी उनसे सहमत होना कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक चेतावनी है, एक अल्टीमेटम है, एक खतरे की घंटी है। अब भूपेंद्र हुड्डा को समझ जाना चाहिए कि प्रदेश कांग्रेस में वो सब नेताओं के साथ मिलकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, अगर वो अकेले गुटबाजी करेंगे, अगर वो अकेले खुद को सीएम प्रोजेक्ट करेंगे, अगर वो अकेले टिकट बांटने का काम करेंगे तो उनके पर कतर दिए जाएंगे और पार्टी हाईकमान उनको फ्री हैंड नहीं देने का काम करेगा। दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया कि पार्टी में किसी भी नेता को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। पार्टी सामूहिक नेतृत्व में कर्नाटक की तरह विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आने के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दीपक बाबरिया के दौरे से जहां रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा के हौसले बुलंद हुए हैं, वहीं पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है, उनके लिए चुनौती बढ़ गई है और उन्हें अब सभी नेताओं के साथ लेकर चलने को मजबूर होना पड़ेगा। अब देखने की बात यह कि दीपक बाबरिया क्या कांग्रेस के अंदर से गुटबाजी खत्म कर पाएंगे, क्या वो सभी नेताओं को साथ लेकर चल पाएंगे और वो क्या भूपेंद्र हुड्डा को बाकी नेताओं के साथ चलने के लिए रजामंद कर पाएंगे। कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।